अजय फ्रेश टॉपिक है, हेडिंग क्या लिखा है, डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ या फिर क्या लिखा है, पेयर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। चलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होता क्या है। तो इसमें हम कॉर्पोरेट विल को सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहले जनरल रूल अपन समझते हैं, कंपनी अलग है और कंपनी के शेयर होल्डर अलग है। एक तरफ आपको कंपनी दिख रही है और दूसरी तरफ कौन दिख रहे हैं, शेयर होल्डर। बीच में एक दीवार है या फिर बीच में एक पर्दा है, कर्टन है, जो भी कुछ बोलो, बीच में ऐसा कुछ है जो दोनों को क्या कर रहा है, सेपरेट शो कर रहा है। तो जो ये बीच की चीज है, बीच की जो दीवार है, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट विल। वापस, कॉर्पोरेट विल वो दीवार है जो कंपनी को शेयर होल्डर को अलग अलग दिखाती है। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू मीन बाय कॉर्पोरेट विल, तो कॉर्पोरेट विल वो बीच की दीवार, उसको हम शील्ड बोल सकते हैं, उसे हम कर्टन बोल सकते हैं, उसे आपको जो बोलना है बोलो, मतलब दोनों के बीच में कुछ है जो शो करता है कि दोनों सेपरेट आइडेंटिटी है। ठीक है, व्हील मतलब क्या होता है, शील्ड। चलिए, बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर। अब जनरल रूल तो हमने यही पढ़ा है, एक डॉक्ट्रिन पढ़ा था, डॉक्ट्रिन क्या पढ़ा था, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो का मतलब ही यही है कि सेपरेट आइडेंटिटी है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, लिफ्ट करना। लिफ्ट मतलब हटा देना। इस कर्टन को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। इस कर्टन को क्या कर रहे हैं, हटा रहे। जब भी हमें लगेगा कि भैया जो ये शेयर होल्डर हैं, जो ये डायरेक्टर्स हैं, कंपनी का गलत फायदा उठा रहे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि कंपनी अलग है, तो लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर जाएगी। क्या शेयर होल्डर के पास आएगी, क्या नहीं? मान लो कंपनी की कोई लाइबिलिटी है, इस दीवार से टकरा के वापस कंपनी की तरफ जाएगी, क्या शेयर होल्डर के ऊपर लाइबिलिटी आएगी, क्या नहीं? अगर कॉर्पोरेट व्हील बीच में है, सेपरेट आइडेंटिटी है, तो लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन जजेस इस कर्टन को उठा देंगे जब भी हमें लगेगा कि कुछ भी गलत काम हो रहा है। द आर्टिफिशियल पर्सन इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग इनलीगल। क्या भैया आर्टिफिशियल बॉडी का खुद का कोई दिमाग है क्या? नहीं। तो क्या कुछ इलीगल कर सकती है? नहीं। मतलब उसके पीछे कौन बैठा है जो इलीगल काम करेगा? ऑब्वियसली डायरेक्टर या फिर शेयर होल्डर। तो जब भी कुछ गलत होगा, तो इस कॉर्पोरेट विल को क्या कर दिया जाएगा, लिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इसी डॉक्ट्रिन को हम पढ़ेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ पेयर्सिंग ऑफ द कॉर्पोरेट विल। पेयर्सिंग मतलब क्या, दीवार में छेद करे, कर्टन को हटा रहे, क्लैरिटी है। चलिए, सेपरेट पर्सनालिटी मतलब स्टेटरी प्रिविलेज मिल रखा है, यूज लेस्टिमेट बिजनेस। लोग क्या करते हैं, बिजनेस पर्पज के लिए से यूज करते हैं, लेकिन इसका अनचाहे फायदा ना उठाए। अगर कोई फायदा उठाते हुआ दिखता है तो ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट केस किया जाएगा, वो उसके लिए लाइबल हो जाएगा। द कोर्ट, ठीक है, फ्रॉडुलेंट डिसऑनेस्ट यूज अगर करता है कोई, कोर्ट विल ब्रेक द कॉर्पोरेट शेल। वो कॉर्पोरेट शेल से मतलब क्या है, कॉर्पोरेट व्हील। कोर्ट इस कॉर्पोरेट व्हील को, कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, बस रीड कर रहे हैं फटाफट। ठीक है, तो क्या लिखा है, लोग इसे क्या कर रहे हैं, फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट यूज कर रहे हैं। तो कोर्ट क्या कह रहा है कि भैया इस कॉर्पोरेट व्हील को, शेल को मैं क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा, तोड़ दूंगा। तो इसे हम लिफ्टिंग और पेयर्सिंग बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। इन्होंने कहा जनरली ये क्यों किया जाता है, जनरली क्यों किया जाता है, फ्रॉड करने के लिए, चीटिंग करने के लिए, और किस करने के लिए, इवेजन। इवेजन मतलब क्या होता है, चोरी, टैक्स की चोरी करने के लिए। हम बहुत सारे लैंडमार्क केसेस पढ़ेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि टैक्स की चोरी करने के लिए अक्सर कंपनी ने ऐसे धोखेधड़ी करी है। देन कोर्ट ने फिर क्या किया है, उस डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग लिफ्ट कर दिया है किसको, कॉर्पोरेट व्हील को। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टैट्री रिकॉग्निशन, स्टैट्री मतलब क्या होता है, लीगल रिकॉग्निशन की बात हो रही। इन्होंने कहा यहाँ पे हम तीन सेक्शन देखेंगे, तीन सेक्शन में सेक्शन नंबर 7 है, 251 है और 339 है। ये तीनों सेक्शन पनिशमेंट की बात करते हैं, ये तीनों सेक्शन किसकी बात करते हैं, पनिशमेंट की। सेक्शन जो 7 है ये बोलता है पनिशमेंट मिलेगी अगर हमें पता चलता है कि गलत इन्फॉर्मेशन दी है। सेक्शन 251 बोलता है कि पनिशमेंट मिलेगी जब हमें पता चलता है कि आपने गलत फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन डाली है। क्यों डाली है, ताकि कंपनी का नेम रिमूव कर सके, कहाँ से, ROC से। व्हाट डू मीन बाय ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, एक रजिस्टर मेंटेन है जिसमें कंपनी का नाम है। आप फ्रॉड करना चाहते थे, चीटिंग करना चाहते थे, फ्रॉड चीटिंग हो गया है, अब आप क्या कर रहे हो, एप्लीकेशन डाल रहे हो कि अब हमें अपनी कंपनी को रजिस्टर में से हटा देना है। तो अगर आप ये भी करते हुए पाए जाते हो तो पनिशमेंट लगेगी। नेक्स्ट जो सेक्शन है 339, ये क्या बोलता है, लाइबिलिटी होगी किसकी, फ्रॉडुलेंट कंडक्ट, जो भी आपने ये सब किया वाइंडिंग अप में, कुछ नहीं, सबकी पनिशमेंट है। कुछ डिटेल में बताया नहीं, आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। आ जाइए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, और क्या लिखा है, अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। हम कब कब अपनी कॉर्पोरेट विल को क्या करेंगे, लिफ्ट कर देंगे। इन्होंने कहा बहुत सारे केसेस आए हैं,
उन केसेस में जजेस ने अपने डिसीजन दिए हैं, उन डिसीजन से हमने ये कंक्लूजन निकाले कि भैया अगर ऐसे ऐसे केसेस होंगे तो इन इन केसेस में हम क्या कर देंगे, कॉर्पोरेट व्हील को हटा देंगे। अगर मैं इसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो हम ये मानेंगे कि कंपनी की कोई भी सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, लाइबिलिटी अब कंपनी की कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, शेयर होल्डर के पास। क्लैरिटी है, चलिए स्टार्ट करेंगे। सोलोमन वर्सेस सोलोमन एक केस था जो आपने सीएससीटी में बहुत डिटेल में पढ़ा था। इस सोलोमन वर्सेस सोलोमन के केस से आइडेंटिफाई होता है कि कंपनी अलग है और मेंबर अलग, मतलब सेपरेट लीगल आइडेंटिटी आपको पता चलती है। अब हम पढ़ रहे कि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है, तो कब कब नहीं है, आज ये सबसे पहला केस। पहले केस का कंक्लूजन है अगर आप क्या कर रहे हो, फ्रॉड या फिर इम्प्रॉपर कंडक्ट। अगर आपकी कंपनी कुछ फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट करती हुई पाई जाती है तब हम भूल जाएंगे कि कंपनी अलग और शेयर होल्डर अलग है, हम दोनों को एक ही ट्रीट करेंगे। चलिए एक केस है, जॉनस का केस है। इस केस में क्या हुआ था, एक ए था जिसने क्या बोला कि मैं बी को बेच रहा हूँ। क्या बेच रहा हूँ बच्चा, एक लैंड, एक जमीन। ए ने बी को एक लैंड बेची, लेकिन पेंडिंग था थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज, होता है बच्चा डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, रजिस्ट्री होने में टाइम लगता है, तो अभी रजिस्ट्री नहीं हुई थी लेकिन उसने बेच तो दिया था, फॉर्मेलिटीज बस बची थी, पेंडिंग थी। फिर ए को लगा कि नहीं यार मुझे अब बी को नहीं बेचना है, बी को अब मुझे बेचना नहीं है, रजिस्ट्री होनी बची थी, पेंडिंग था कंप्लीशन ऑफ द फॉर्मेलिटीज। ए ने बेच दिया, किसको बेच दिया, ट्रांसफर टू अ कंपनी। ए अब अपनी जमीन को बेचना नहीं चाहता था, उसने फटाफट क्या बनाई, एक कंपनी बना दी। क्या बना दी, एक कंपनी बना दी, ठीक। कंपनी के नाम पर क्या कर दिया, ये जमीन कर दी, लेकिन एक्चुअल में पहले उसने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, बी के साथ कर लिया था। अब उसके साथ क्या करना चाहता था, फ्रॉड चीटिंग। तो कोर्ट में ये केस जाता है, वो क्या चाहता था, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं चाहता था, वो अब बी को ये जमीन देना नहीं चाहता था। बी को ऑब्वियसली बुरा लग गया, वो कोर्ट में गया और कोर्ट से उसने कहा कि भैया मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अब ये जबरदस्ती अब क्या कर रहा है, इसने एक कंपनी बना ली और कंपनी को जाके भेज दिया। कंपनी ने सॉरी कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया, कोर्ट ने क्या बोला, कंपनी जो आपने बनाई है ना, आपने जानबूझकर बनाई है ए ने, ताकि वो क्या कर सके, अवॉइड कर सके। क्या अवॉइड कर सके, ट्रांसफर करना, वो बेचना नहीं चाहता इसलिए जानबूझ के उसने ये किया। तो उसका पर्पस क्या है, फ्रॉड है क्या, इम्प्रॉपर कंडक्ट है। तो जब भी हमें लगेगा फ्रॉड है इम्प्रॉपर कंडक्ट है तो हम भूल जाएंगे कि आप अलग और कंपनी अलग। उसने क्या शो कर दिया, जमीन अब किसके नाम हो गई है, कंपनी के नाम की। अब कंपनी थोड़ी ना बेचेगी बी को, ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट निभाने की। अब ये जमीन किसकी हो चुकी है, कंपनी की, तो कंपनी तो अलग होता है, कंपनी और शेयरहोल्डर अलग है, ए अलग है और कंपनी अलग है, वो ये शो कर रहा था। तो भैया कोर्ट ने क्या बोला है कि अब हम क्या मानेंगे, आप दोनों एक ही हो, तो जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी किसकी है, आपकी, और अब आपको ये जमीन बी को देनी पड़ेगी। क्लियर है क्या, हम मान लेंगे कि दोनों क्या है, एक ही है। पहला समझ में आए, तो जब भी फ्रॉड इम्प्रॉपर कंडक्ट होगा देन हम कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करेंगे। दूसरा, ये सारे के सारे जितने भी कंक्लूजन है किससे निकले हैं, केसेस से, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, मतलब केस आया, केस का कंक्लूजन निकला इसलिए हमने ये बोला। क्या लिखा है यहां पर, फिकैडे का मतलब क्या होता है, मुखौटा पहनना। मुखौटा पहनकर हम क्या करें, कुछ भी गलत काम करें, क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हो और किसी चीज के पीछे छुप रहे। डायरेक्टर शेयरहोल्डर क्या कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, कंपनी के पीछे छुप रहे थे कि भैया ये तो कंपनी ने किया है, जबकि क्या कंपनी ने किया है, क्या कंपनी कुछ गलत काम कर ही नहीं सकती, वो तो कुछ है ही नहीं, उसका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो तो बस एक आर्टिफिशियल बॉडी है। चलिए एक और केस था, ठीक है, आरजी फिल्म का एक केस था, समझना। एक कंपनी थी जो कि इंडिया में एक फिल्म बनाती है, ठीक है, इन्होंने समझना, एक अमेरिकन कंपनी थी जो प्रोड्यूस अ फिल्म इन इंडिया। कंपनी कहाँ की थी, अमेरिका की। वो एक फिल्म को इंडिया में लेकर आना चाहती थी, प्रोड्यूस करना चाहती थी, लेकिन उसने जो नाम दिया, नाम क्या दिया उसका, नेम ऑफ द कंपनी उसने क्या रखा, ब्रिटिश कंपनी। वापस अमेरिकन कंपनी एक कंपनी खोलना चाहती थी इंडिया में ताकि क्या बना सके, फिल्म को प्रोड्यूस कर सके, लेकिन उस कंपनी का नाम उसने क्या दिया, ब्रिटिश कंपनी। जबकि 90% स्टेक किसका लगा है, अमेरिका का लगा है, 90% पैसा किसका लगा है, अमेरिका का। अब उस कंपनी का नाम क्या रखना चाह रही है, ब्रिटिश। रख सकती है क्या, नहीं। हमारी इंडिया के बोर्ड ने क्या कर दिया, ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, इसे रिजेक्ट कर दिया। क्या बोल के रिजेक्ट कर दिया कि भैया ये ब्रिटिश फिल्म, आप इसको कैसे बोल सकते हो, जबकि ये फिल्म किसकी है, अमेरिका की है। तो प्लीज इसका अगर नाम बदल के आप आओगे तो हम आपको अलाउ करेंगे, अदरवाइज नहीं। आप क्या कर रहे हो, आप मुखौटा पहन कर आ रहे हो, आप अंदर से हो कुछ और सामने दिखा कुछ और रहे हो। तो जब भी अगर ऐसा होगा तो हम मान लेंगे कि आप लोग एक ही हो, अमेरिकन जो लोग हैं जिनका पैसा लगा है तो वही ट्रीट किया जाएगा, हम आपको उसका ब्रिटिश नेम रखने नहीं देंगे। क्लियर है बच्चा। चलिए थर्ड केस था, इसका कंक्लूजन क्या था, कॉन्फ्लिक्ट विद दी
पब्लिक पॉलिसी, एक केस है जिस केस में बोल दिया कि कंपनी को जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर क्या है, एनिमी। एनिमी मतलब क्या, दुश्मन। हुआ क्या था समझना, कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स वर प्रेसिडेंट, क्या लिखा है, जर्मनी। सीन क्या है, दो कंट्री में आपस में लड़ाई, वॉर। फॉर एग्जांपल चलो इंडिया पाकिस्तान करते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर चल रही है। मान लो अगर कोई कंपनी है पाकिस्तान की इंडिया में, मान लो ऐसा, ठीक है, कि एक पाकिस्तानी कंपनी इंडिया में, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको आराम से बिजनेस करने देंगे, अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, हमारी लड़ाई चल रही है यार वहां से। तो साफ साफ उन्होंने बोल दिया कि हमारे देश से वो पैसा कमा रहे, और उस पैसे को कमा कर क्या करेंगे, हमारे अगेंस्ट यूज करेंगे। पाकिस्तान क्या करेगा, वो पूरे आर्म्स, पूरे सोल्जर उन सबको लगा रहा है, पूरा इन्वेस्ट कर रहा है, किसमें, हमसे लड़ने के लिए। तो हम इस कंपनी को कैसे काम करने दें, बिल्कुल काम करने नहीं देंगे। तो साफ साफ उन्होंने बोल दिया है, एक कंपनी थी जो कि एनिमी कंपनी थी, कंट्रोल जो उसका हो रहा था एक रेसिडेंट ऑफ, ठीक है, कहाँ की थी, जर्मनी की थी। मतलब दो अलग कंट्री के बीच में जिनके बीच में झगड़ा हो रहा था, तो दुश्मन कंपनी कौन सी होगी, जर्मनी की होगी, ठीक है। इन्होंने बोल दिया इसको एलियन, जो भी एनिमी कंपनीज होती है जिनके साथ हमारी वॉर हो रही है, ठीक है, और अगर उनका कोई सेटअप हमारे देश में है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एलियन कंपनी। एलियन मतलब वो वाला एलियन नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे एनिमी होता है, तो इन्हें एलियन कंपनी बोला जाता है। तो नॉट अलाउड टू प्रोसीड विद द एक्शन, साफ साफ क्या बोल दिया, भैया आप तो कुछ भी कर सकते हो, हम आपको, आपसे प्रोटेक्शन देना चाहते हैं अपने देश के लोगों को, तो अगर हमारे देश से कोई भी पैसा जा रहा है, गिविंग मनी टू द एनिमी, ये एक तरीके से क्या कंसीडर किया जाएगा कि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। क्लियर है, सारे केसेस का बस कंक्लूजन है और कुछ नहीं। नेक्स्ट केस क्या बोल दिया उन्होंने, डायलमेरिक लैंडमार्क केस है, इसका भी सेम कंक्लूजन वही है, कंपनी क्या है, हैविंग एनिमी कैरेक्टर, रेसिडेंट ऑफ द एनिमी कंट्री। डी पॉइंट और सी पॉइंट दोनों का सेम ही कंक्लूजन है, ये दो अलग केस है, दो अलग केस है, दोनों का कंक्लूजन तो सेम ही है ना, लेकिन दोनों में एनिमी कैरेक्टर था। इन्होंने क्या बोल दिया, पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट है पैसा देना, तो इसीलिए। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया, भैया आप हो ही दुश्मन कंपनी, आप अपने लोगों को हमारे अगेंस्ट यूज कर सकते हो, हमारी देश की इन्फॉर्मेशन दे सकते हो ना यहाँ रहकर, तो हम आपको यहाँ पर नजरबंद रखेंगे, आपको बाहर भी निकलने नहीं देंगे, क्लियर है बच्चा, काम भी करने देंगे। तो हम मान लेंगे कि शेयर होल्डर और कंपनी अलग अलग नहीं है, वो शेयर होल्डर तो वहां के है ना, तो कैसे काम करेंगे, दिमाग कहाँ लगाएंगे, हमारे अगेंस्ट, तो दोनों को हम एक ट्रीट करेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट ई पॉइंट क्या बोलता है, सोल पर्पस क्या है कंपनी का, टैक्स की चोरी करना, टैक्स की चोरी करना। एक जो है दिनशा का एक केस है, ठीक है, क्या बोलता है, एक एसईसी था जो कि बहुत वेल्दी मैन था, जिसको डिविडेंड मिलता था, इंटरेस्ट मिलता था अच्छा खासा, उसे डिविडेंड का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा छुपाना था, तो उस पैसे को छुपाने के लिए उसने क्या किया, कंपनी बना दी। और कितनी कंपनी बनाई, चार कंपनी बनाई, फोर प्राइवेट कंपनी उसने बना दी, और इन फोर प्राइवेट कंपनी को उसने क्या शो किया कि मैंने लोन देना। वापस समझना, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है डिविडेंड, मैंने बहुत सारी अलग अलग कंपनी में पैसा लगाया, उसका मेरे पास आ गया इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, क्या आता है, डिविडेंड, प्रॉफिट मिला। मुझे इस पैसे को छुपाना है और मुझे इसमें टैक्स देना नहीं है, तो मैंने जानबूझकर चार डमी कंपनी बनाई, नकली कंपनी बनाई, जो एक्चुअल में कंपनी है ही नहीं, ऑन रिकॉर्ड बस मैंने ऐसी कंपनी शो कर दी। और मैंने क्या शो किया, मैंने इनको क्या प्रोवाइड किया है, लोन, इन्हें पैसे की जरूरत थी और मैंने इन्हें पैसा दिया है, जबकि वो कंपनी कोई भी वर्किंग कर नहीं रही थी। तो ये बात पता चल गई इनकम टैक्स ऑफिसर को कि भैया ये कंपनी तो कुछ काम ही नहीं कर रही है, आपने किस नाम का इन्हें लोन दिया, क्योंकि वो टैक्स की चोरी करना चाहता था इसलिए इसने ये सारी चीजें करी। द कंपनी वॉज फाउंड बाई द एसईसी प्योरली सिंपली टू मीन्स ऑफ अवॉइडिंग सुपर टैक्स। कोर्ट ने डिसाइड कर लिया कि भैया जो ये कॉर्पोरेट एंटिटी है वो डिसरिगार्ड है, हम नहीं मानेंगे कि आप अलग अलग हो, वो बंदा जो टैक्स की चोरी कर रहा था और वो जो कंपनी है वो दोनों एक ही है, मिलकर टैक्स दो भाई, टैक्स तो आप ही को देना पड़ेगा, क्लियर है पक्का। आपकी बुक में एक लैंडमार्क केस दिख रहा होगा, वोडाफोन केस, तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग केस, तो चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। ये पूरा पैराग्राफ खुद पढ़ लेना, मैं बस शॉर्ट में है ना पीपीटी फॉर्म में आपको समझा रही हूँ। आइए, वोडाफोन कंपनी के बारे में तो जानते ही हो, ठीक है, इंटरनेशनल कंपनी है। एक्चुअल में वोडाफोन कंपनी को इंडियन मार्केट में आना था, ठीक है, तो इंडियन मार्केट में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में उसे आना था, उसे लग रहा था कि हाँ अच्छा खासा बिजनेस है, तो इस सेक्टर में आने के लिए तो वो डायरेक्ट इंडिया में आके उसने अपना सेटअप नहीं किया, उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसने ये देखा कि भैया इंडिया में एक कंपनी है, क्या इस कंपनी का नाम सुना था, क्या हज का नाम सुना था, क्या बहुत पुरानी बात है, ठीक है, हज का अच्छा खासा ऐड भी आता था। तो वोडाफोन कंपनी ने सोचा कि एक काम करते हैं, खुद से अगर मैं सेटअप करूंगा तो टाइम लगेगा,
एकदम जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम क्या करें, एक एग्जिस्टिंग कंपनी जो ऑलरेडी इंडिया में काम कर रही है उसे हम खरीद लेते। खरीद लेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा अच्छा बेनिफिट स्टार्टिंग से हो जाएगा, बेस मिल जाएगा हमें कस्टमर का, हमें बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने हच एजर कंपनी को खरीदने का प्लान बनाया। तो जब वो इस कंपनी को खरीदने का प्लान बना रहा था, कौन सी कंपनी को बच्चा, हच की बात हो रही है, ठीक है, तो हस्टेन एजर लिमिटेड कंपनी थी जो कि इंडिया में थी। इसने ये देखा कि भैया इसकी एक होल्डिंग कंपनी थी, उस होल्डिंग कंपनी का नाम क्या है, CGP, होल्डिंग कंपनी का नाम क्या है, CGP, वो इस हच कंपनी में कितना होल्ड करती थी, 67%। तो क्या होल्डिंग कंपनी हो गई? What do you mean by होल्डिंग कंपनी? होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसका शेयर मोर देन 50% होना चाहिए, तो 67 है, तो क्या ये होल्डिंग कंपनी हो गई? हाँ, ये होल्डिंग कंपनी थी, ये सब्सिडी कंपनी थी। तो वोडाफोन ने दिमाग लगाया कि मुझे किसको खरीद लेना चाहिए, CGP को। जब वो CGP को खरीदने गई तो उसको पता चला कि भैया इसके ऊपर भी एक और होल्डिंग कंपनी है, इसकी भी एक होल्डिंग कंपनी है। वो होल्डिंग कंपनी क्या है बच्चा, हस्टेन टेलीकॉम इंटरनेशनल यूनाइटेड, जो कि हांगकॉन्ग में थी, ठीक है। अब इसका कितना स्टेक था इस CGP में, 100%। मतलब कि वोडाफोन ने देखा कि भैया अब खरीदना उसको किसको है, CGP को। CGP को ही खरीदने का क्यों प्लान बनाया, एक्चुअल में जो हस्टेन कंपनी थी वो इंडिया में थी, खरीदने का प्लान किसका था, हस्टेन का ना, हज को खरीदना था, शॉर्टकट में से हज बोला जाता है, ठीक है। लेकिन इसको होल्ड करने वाली CGP कंपनी कहाँ पर थी, एक केमेन लैंड, एक आइलैंड है, ठीक है, केमेन आइलैंड है। एक्चुअल में इसे हम बोलते हैं टैक्स हेवन कंट्रीज। व्हाट डू मीन बाय टैक्स हेवन कंट्री, देखा वर्ड समझना, टैक्स हेवन कंट्रीज, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जहां पर टैक्सेस नहीं लगते हैं, तो ऐसी कंट्रीज को हम क्या बोलते हैं, टैक्स हेवन कंट्री। जितनी भी जो हमारी पॉलिटिकल नेतागिरी जो दिखती है आपको, है ना, अक्सर बोला जाता है काला धन छुपाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, तो ये काला धन कहाँ छुपाया जा रहा है, ऐसी ही कंट्रीज में छुपाया जा रहा है जहां पे टैक्स लगता नहीं है। इंडिया में अगर धन दिखेगा तो टैक्स देना पड़ेगा, तो वो वहां छुपा देते, ठीक है। तो एक्चुअल में वोडाफोन ने कहा कि मैं CGP कंपनी को खरीद लेता हूँ, तो CGP कंपनी को अगर मैं खरीद लूंगा जो कि इस आइलैंड में है, तो वहां पे उन्हें टैक्स देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसको खरीदने के लिए उसने किससे डील करी, हस्टेन टेलीकॉम जो कंपनी थी जो कि हांगकांग में थी। वोडाफोन उसे अप्रोच करता है और बोलता है कि अपनी जो ये वाली अंडरटेकिंग है ना, इसको मुझे बेच दो। कितने में डील सेट होती है, 55,000 करोड़ में ये डील पूरी सेट होती है। और ये CGP अब किसकी हो जाती है, वोडाफोन की। क्लैरिटी है, अब अगर CGP वोडाफोन की हो गई तो ये हचेसर भी हो गई इनडायरेक्टली, ठीक है। लेकिन भैया अब इनकम टैक्स को बुरा लग गया, भैया हमारी कंपनी को तो खरीद लिया गया है, हज कंपनी अब किसकी हो चुकी है, वोडाफोन की हो गई, टैक्स तो अब देना पड़ेगा। जबकि इस वोडाफोन का क्या प्लान था कि मैंने तो उस आइलैंड से खरीदा है, वो कि कौन सी कंट्री है, टैक्स हेवन कंट्री, वहां तो मुझे टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ी, उसकी प्लानिंग ही यही थी। लेकिन यहां से इंडिया का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि हमें तो टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स देना पड़ेगा, 11,217, अब इतना आगे नहीं, ठीक है, करोड़, इतने करोड़ तो आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। बुरा लग गया, किसको बुरा लग गया, वोडाफोन कंपनी को। वो सीधा कहाँ जाता है, बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट में जाता है, केस जाता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मतलब हमारा क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी बातें रखता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है, भैया आपने जो ये ट्रांसफर किया ना हमारी कंपनी के जो शेयर्स, वो किस तरीके से किया है, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या है, इंडियन कंपनी का, सो इससे क्या बनता है, कैपिटल गेन। अभी आप कैपिटल गेन, इनकम टैक्स आपका जो सब्जेक्ट है वो आप पढ़ोगे तो आपको और क्लैरिटी से समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी ये समझो कि भैया आपने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे जो कि कंपनी किसकी है, इंडिया की कंपनी है, इनडायरेक्टली खरीदा, डायरेक्टली तो नहीं खरीदा, हज के क्या डायरेक्ट आके खरीद लेता क्या, नहीं, उसकी होल्डिंग CGP को उन्होंने पकड़ा, तो आपने इनडायरेक्टली शेयर्स खरीदा है, इसलिए आपका टैक्स देना बनता है कहां पर, इंडिया में। वोडाफोन साफ साफ बोलता है जो इनडायरेक्ट शेयर का जो ट्रांसफर है ये कहीं भी इनकम टैक्स IT एक्ट से मतलब क्या है, इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी लिखा नहीं है, ये साफ साफ कौन बोलता है, वोडाफोन। उसने भी अपने लॉयर लगा के रखे थे कि भाई आप क्यों ऐसा बोल रहे हो जबकि आपने ऐसा वर्ड लिखा ही नहीं है। अब होता क्या है, हमारा जो इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है वो बता देता है कि सेक्शन नंबर दिस, इसमें हमने इस तरीके से लिखा है, लेकिन वर्ड यूज नहीं किया था, कौन सा, इनडायरेक्ट वर्ड यूज नहीं किया था, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट लिखे थे वो उसी तरीके से लिखे थे।
तो बॉम्बे हाई कोर्ट साफ साफ फिर अपना डिसीजन देता है। बॉम्बे हाई कोर्ट क्या डिसीजन देता है, जो सीजीपी है ये क्या एक डमी कंपनी है, इट वॉज मेड नो इन्वेस्टमेंट अदर देन दी हच एसेट जो कंपनी है। इन्होंने कहा कि भैया सीजीपी एक डमी कंपनी बनी हुई है। बॉम्बे हाई कोर्ट डिसीजन देता है, किसके फेवर में डिसीजन देता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में देता है, और साफ साफ बोलता है कि भैया ये जानबूझकर डमी कंपनी बनाई गई है, टैक्स चोरी करने के लिए बनाया गया है, इसका जो इन्वेस्टमेंट है बस इसी कंपनी में दिख रहा है और कहीं तो कुछ नहीं दिख रहा, हमारे हिसाब से कोई काम नहीं कर रही है। ठीक है, सीजीपी का जो इन्वेस्टमेंट है इन कॉर्पोरेट ओनली टू अवॉइड द पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंडिया, जानबूझकर इसे बनाया गया ताकि टैक्स पे ना करना पड़े। अल्टीमेट जो शेयर ट्रांसफर हुए इंडियन कंपनी के हैज बिन ट्रांसफर, वोडाफोन को अच्छा खासा टैक्स देना पड़ेगा। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कितना टैक्स देना पड़ेगा। अभी तक कितना मांग रहे थे, 11,000, अब कितना हो गया, 2500 हो गया। ठीक है, करोड़ तो देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। एक्चुअली में जो ये जजमेंट है ये बस टैक्स की बातें नहीं कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान दो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, क्योंकि टैक्स की बात हो रही तो टैक्स में घुस गए। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल एक बार समझ, जो ये सीजीपी कंपनी बनाई गई थी उसका पर्पस क्या था, टैक्स चोरी करना, टैक्स चोरी करना, ये तो टॉपिक पढ़ रहे हैं, बनाया गया ताकि हम टैक्स की चोरी कर सके, बट ऑल्सो कवर द प्रिंसिपल ऑफ द कॉर्पोरेट विल, इस कॉर्पोरेट विल को हटाया गया और क्या बोल दिया, लिफ्टेड, और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन किया गया ताकि हम टैक्स को अवॉइड कर सके। क्लियर है, लेकिन वोडाफोन हार तो मानने वाला नहीं था, वोडाफोन को बुरा लग गया, इतने इतने करोड़ देने पड़ेंगे, तो वो कहां पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट साफ साफ बोलता है कि सुनो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपका जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें कहीं भी इनडायरेक्ट ट्रांसफर वर्ड यूज नहीं किया है, आपके लॉ में लूपोल्स है। व्हाट डू मीन बाय लूपोल्स, कमियां है, तो प्लीज अपनी कमियों को पहले ठीक करो, ये वर्ड इंसर्ट करो और वोडाफोन को छोड़ दो। अब सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन है वो किसके फेवर में देता है, वोडाफोन। ये ऑफशोर ट्रांजैक्शन, ऑफशोर मतलब क्या होता है, इंडिया से बाहर, ठीक है, बॉर्डर से बाहर, सी पोर्ट से बाहर, इट इज अ बोनाफाइड स्ट्रक्चर, ये एज पर क्या आया, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये एफडीआई वाया हमारी इंडिया में और वो बोनाफाइड तरीके से आया है। ठीक है, ये आउटसाइड इंडिया है, ये आपके टैक्स के ज्यूरिडिक्शन से बाहर है, तो आपका टैक्स लगाना इनमें बनता नहीं है। देर वॉज अ ट्रांसफर, ट्रांसफर वाया सीजीपी इन्वेस्टमेंट कंपनी का इंडियन टैक्स अथॉरिटी के पास कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन साइड किया, जो कि किसको फेवर करता था, इनकम टैक्स को, तो अब किसके फेवर में आ गया डिसीजन, वोडाफोन कंपनी के, और साफ साफ डायरेक्शन देता है किसको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कि भैया तुमको रिटर्न करने पड़ेंगे इनके जो आपने कितने ले लिए थे, 2500 करोड़ जो आपने इनसे ले लिया था, देना पड़ेगा सूद समेत इंटरेस्ट के साथ 4%, और कितने दिन के अंदर देना है, जब भी डिसीजन सुनाया है वहां से 2 महीने के अंदर। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया अगेंस्ट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट, इन्होंने उन्होंने क्या किया था, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कर दिया था, कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर दिया था, वो उसने क्या कर दिया, वापस से कर्टन डाल दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है, पूरी की पूरी कहानी पढ़ क्या रहे थे, भूल गए क्या, आप कभी किसी कंपनी को बनाते हो उसका सोल पर्पस क्या है, टैक्स की चोरी, तो एक दिनशॉ का केस था जिसमें उसने अपने प्रॉफिट को छुपाने के लिए, डिविडेंड को छुपाने के लिए कितनी कंपनी बनाई, 4, तो हम दोनों को एक ही ट्रीट करेंगे, वो कंपनी आप ही हो, टैक्स ही चोरी करो। वोडाफोन का केस एक्चुअल में बहुत इंटरेस्टिंग था, आपके इंडिया से रिलेटेड था इसलिए मैंने बहुत डिटेल में बताया, लेकिन उसमें भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने लिफ्ट कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्या बोल दिया, लिफ्ट करने नहीं दिया, उसने साफ साफ बोला कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप अपने एक्ट को बदलो। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आता है तुरंत क्या हो जाता है, अमेंडमेंट, आपका एक्ट अमेंड हो जाता है और इनडायरेक्ट ट्रांसफर इंसर्ट कर दिया जाता है, जो कि आप अपने टैक्स में बहुत डिटेल में भी पढ़ोगे। क्लियर बच्चा, पक्का, चलिए तो ये पूरी बोरिंग स्टोरी खुद से पढ़ लेना। नेक्स्ट एफ पॉइंट क्या बोलता है, अवॉइडेंस ऑफ द वेलफेयर लेजिस्लेशन, आप क्या कर रहे हो, वेलफेयर करना नहीं चाह रहे हो, आप उसके अगेंस्ट हो, ठीक है, आपका सोल पर्पस है कोई भी न्यू कंपनी बनाने का ताकि आप रिड्यूस कर सको अमाउंट टू बी पेड बाय वे ऑफ बोनस टू वर्कमैन। एक्चुअल में एक वर्कमैन एम्प्लॉयड एसोसिएशन का एक पूरा एक केस हुआ था, उस केस में क्या हुआ था, न्यू कंपनी जानबूझकर बनाई जाती है और जितना भी पैसा आता है उस न्यू कंपनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, और ट्रांसफर करने के बाद क्या बोला जाता है, हमारे पास तो पैसे नहीं बचे, और अगर हमारे पास पैसे नहीं बचे तो अब हम बोनस भी दे नहीं पाएंगे,
उस न्यू कंपनी को बनाया किस पर्पस के लिए गया था? ताकि अपने वर्कमैन अपने लेबर्स को क्या ना देना पड़े, बोनस। ओनली फॉर द पर्पस स्प्लिट करना प्रॉफिट इनटू टू हैंड्स और रिड्यूस द ऑब्लिगेशन टू पे बोनस। ये सब केसेस है, एक्चुअल में कोई कंक्लूजन नहीं है इन्होंने। इन्होंने क्या बोले, जैसे जैसे केसेस आए वैसे वैसे ये लोग आपको बताते गए कि भैया आपका पर्पस। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि हम कब कॉर्पोरेट व्हील को क्या करेंगे, लिफ्ट करेंगे। तब लिफ्ट करेंगे जब हमें कुछ गलत होता दिखेगा। क्या गलत हो रहा था इसमें? बोनस देने से रोक रहे थे। ई में, ई पॉइंट में क्या गलत हो रहा था? टैक्स की क्या हो रही थी? चोरी कर रहे थे। डी में क्या हो रहा था? एनिमी कैरेक्टर है। ई में क्या था? एनिमी कैरेक्टर, लेकिन इसका कंक्लूजन उन्होंने क्या बोल दिया कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। डी में क्या हो रहा था? आप छुप रहे थे किसी के पीछे, ठीक है, और गलत काम कर रहे थे। और ए में क्या बोल रहा था? फ्रॉड या फिर इम्प्रॉपर कंडक्ट कर। क्लैरिटी है, ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हमने देखा। और भी है वैसे तो। चलिए जी पॉइंट क्या बोला था? अनदर इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब होता है एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल ऑफ द कॉर्पोरेट व्यू अराइव्ड, उन्होंने केस का नाम दिया, कुछ कंक्लूजन ही नहीं बताया। देखो केस रीड करते हैं, क्या बोलता है। पेटिशनर एलिगेशन डालता है किसमें? स्टेट ऑफ बिहार, मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो गया। स्टेट गवर्नमेंट को साफ साफ बोलता है, भैया आपने सैलरी पे नहीं की एम्प्लॉयज की। किसमें? पीएसयू। व्हाट डू यू मीन बाय पीएसयू? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब गवर्नमेंट की है ना। किस गवर्नमेंट की थी? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कहाँ? बिहार। बिहार गवर्नमेंट की ये कंपनी थी, ठीक है, उन पर एलिगेशन लगाया जाता है आपने सैलरी पे नहीं करी। मुझे खुद बताओ क्या बिहार गवर्नमेंट ये छोटी छोटी चीजें देख पाएगा क्या? नहीं, उसको तो कितने सारे काम करना है, तो वो देख नहीं पाएगा। कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने पहले खुद से बोला, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला भैया इतनी छोटी छोटी चीजें हम नहीं देख सकते, ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंपनी के अंदर के लोग होंगे, कंपनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम क्यों है? तो कोर्ट ने बोला हाँ एकदम सही बात कह रहे हो, आप लाइबल तो नहीं हो डे टू डू फंक्शन के लिए, छोटे मोटे फंक्शन के लिए आप लाइबल नहीं हो, लेकिन सैलरी क्यों नहीं पे कर पा रहे? मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस खराब चल रही है। कंपनी की परफॉर्मेंस खराब चल रही है तो अब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तब तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, स्टेट गवर्नमेंट। हम कह रहे हैं कि एक एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिली, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आप देख नहीं सकते हो, लेकिन बड़ी चीज तो देख सकते हो। बड़ी चीज क्या? आप सैलरी क्यों नहीं पे कर पा रही है कंपनी? क्योंकि कंपनी बहुत टाइम से चल रही है लॉस में। तो इट्स अब योर मिस्टेक, स्टेट गवर्नमेंट आपकी गलती है। बट द लाइबिलिटी अराइज इट्स फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, आपकी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी, आपको कुछ कंपनी के लिए करना था जो आपने किया नहीं, तो फंक्शन ऑफ दीज अंडरटेकिंग के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं, बड़ी चीजों के लिए आप लाइबिलिटी आपकी बनेगी। तो ये अनदर एग्जाम्पल है कॉर्पोरेट व्हील, मतलब हम क्या करेंगे, उस दीवार को हटा देंगे, मान लेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट, कंपनी क्या कर रही है? अब्यूज मतलब मिस यूज। अब्यूज मतलब क्या होता है? मिस यूज। किसका मिस यूज करी है? कॉर्पोरेट पर्पस है। इन्होंने कहा किसी भी तरीके से अगर हमें दिखता है जस्ट एन इक्विटेबल पर्पस, कभी भी ऐसे ही कुछ मिलते जुलते एग्जाम्पल्स आते हैं जिसमें हमें दिखेगा कि अनजस्ट हो रहा है, जस्टिस नहीं है, तो हम मान लेंगे कि आपके अब कॉर्पोरेट व्हील को क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा। क्लैरिटी है पक्का? कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ में आया रिपीट कर दूं? चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? लिफ्ट करे कॉर्पोरेट व्हील किसकी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑब्वियसली वो इंडस्ट्री जिसमें कम इन्वेस्टमेंट है, कम पैसा लगा है, ठीक है, बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, क्या उसका भी लिफ्ट हो सकता है? हाँ, कंपनी है ना, कोई भी गलत काम कर सकता है भाई, जब भी गलत काम दिखेगा तो हम क्या करेंगे, उसे लिफ्ट कर देंगे। अब जैसे ही लिफ्ट होगी, होता क्या है, जो छोटी कंपनीज होती है उनको बहुत सारी छूट मिलती है, बहुत सारी एग्जेम्पशंस मिलती है, तो जैसे ही कॉर्पोरेट वी लिफ्ट हो जाएगी तो वो छूट भी आपको मिलेगी नहीं। पूरा कंक्लूजन यही बोल रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कुछ एग्जेम्पशंस मिलते हैं, जैसे ही लिफ्ट हो गया, परमिशन मिल गई कि भैया ये कंपनी कुछ गलत कर रही है और लिफ्ट हो जाता है, तो उन्होंने बोल दिया कि हम मान लेंगे कि भैया अब आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाली। चिल्लर टॉपिक है और कुछ नहीं, ठीक है। हेडिंग क्या लिखा है? आप कॉर्पोरेट विल को क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो ताकि आप क्या छुपा सको, अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी। कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी वाली चीजें अगर हम बोले तो हम एनिमी कैरेक्टर को बोल सकते हैं कि भैया आप कुछ गलत काम कर सकते हो। हमने सारे एग्जाम्पल सही तो पढ़े, सबसे सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा था? मुखौटा पहनना। मुखौटा पहन के आप कुछ गलत काम छुपा रहे हो। डिफेंडेंट यूज कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, मतलब कॉर्पोरेट की सेपरेट आइडेंटिटी, एज अ डिवाइस या फिर एज अ फैकेटी। फैकेटी मतलब वही मुखौटा पहनना, ठीक है। आप एक तरीके से क्या कर रहे हो,
क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हो, वो क्रिमिनल एक्टिविटी आपकी क्या हो सकती है? कस्टम ड्यूटी छुपाना, एक्साइज ड्यूटी छुपाना, शॉर्ट में बोलो तो हम क्या कर रहे हैं? टैक्स का इवेजन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, द एसेट ऑफ द कंपनी मान लिया जाएगा रियलाइजेबल प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर। कंपनी का जो एसेट है वो एक तरीके से अब शेयर होल्डर की मान ली जाएगी और शेयर होल्डर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। दोनों को एक ही मान रहे ना, अगर शेयर होल्डर की लाइबिलिटी बनती है तो कंपनी की जो प्रॉपर्टी है, एसेट है, वो भी किसके हो जाएंगे? शेयर होल्डर हो जाएंगे ना। बस लाइबिलिटी मिलेगी क्या, एसेट भी मिलेंगे ना, उससे भी चुकाया जाएगा, लेकिन वो पर्सनली भी हो जाता है, अगर नहीं चुकेगा तो पर्सनली वो लाइबल होता है। क्लियर है बच्चों? तो बस सारे एग्जाम्पल जैसे ही घिसे पिटे रिपीट है, यहाँ पे ये पूरा डॉक्ट्रिन होता है हमारा ओवर। छोटा टॉपिक था, चलो मेमोरेंडम का मीनिंग अगर पूछा जाएगा तो समझा दोगे। मेमोरेंडम में कितने क्लॉज होते हैं? छह होते हैं। पहला क्या होता है? नेम क्लॉज। हमेशा सिक्वेंस याद रखना, पहले मैं आपसे आपका नाम पूछूंगी, क्या पूछूंगी? नाम, फिर पूछूंगी कहाँ रहते हो, फिर क्या पूछूंगी? सिचुएशन क्लॉज, क्या करना चाहते हो जीवन में, ऑब्जेक्ट, ठीक है। कुछ लाइबिलिटी नाम की चीज़ है, अगर आपने जीरो ऑब्जेक्ट बताया तो मैं क्या कहूँगी? लाइबिलिटी है कि नहीं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, ठीक है। देन उसके बाद कैपिटल, कमाओ हो जाओगे तो कैपिटल लगाओगे, और फिर सब्सक्रिप्शन, पैसा लगा लेना कहीं, इन्वेस्ट कर लेना, ठीक है। कितने क्लॉज होते हैं? छः। पहला नेम, अब मेरे साथ बोलना, ठीक है। पहला नेम क्लॉज, फिर सिचुएशन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लाइबिलिटी, फिर कैपिटल, फिर सब्सक्रिप्शन। कुछ टाइम बाद पूछूंगी, वैसे डिटेल में अभी पढ़ाई नहीं है, लेकिन हम जाएंगे उसकी डिटेल में भी। मैं आपसे कुछ और क्वेश्चन वैसे पूछने के लिए आई हूँ, ठीक है, ढूंढ लूँ वो क्वेश्चन। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 176, कुछ सुना सुना लग रहा है। ऑफ द कंपनीज एक्ट क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस लॉ। बहुत सारे केसेस पढ़े, कुछ लैंडमार्क केसेस जो मैं कहूंगी याद करने का नेम वो मैं बताऊंगी अभी, ठीक है। तो नाम अभी छोड़ो, पहले इंडोर मैनेजमेंट और सेक्शन 176 का रिलेशन बताओ, क्या बोलता है 176? याद आया सेक्शन 176? 176 साफ साफ क्या बोलता है? कुछ भी काम अगर आप कर रहे हो, हमें बाद में पता चलता है डायरेक्टर के बारे में, क्या पता चलता है? डिस्क्वालिफिकेशन, अनक्वालिफाइड डायरेक्टर, उससे पहले के जितने भी काम किए हुए हैं वो सब क्या हो जाएंगे? वैलिड। तो इंडोर मैनेजमेंट भी तो ये बोलता है, आपको क्या करना है पहले एक्सप्लेन करना है इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है? हेडिंग डालोगे इंडोर मैनेजमेंट, येस और नो, एक्सप्लेन करना क्या करोगे। इंडोर मैनेजमेंट किसको हेल्प करता है? आउटसाइडर को, ठीक है, क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं कि हम पब्लिक डॉक्यूमेंट तो पढ़कर आ सकते हैं लेकिन इंटरनल प्रोसीडिंग देख नहीं सकते। आपको पूरा एक चार्ट दिखाया गया था ना, उस चार्ट की सारी बातें लिख देने का, ठीक है। चलिए, सेक्शन 176 बोलता है कि भैया डायरेक्टर, डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है, अनक्वालिफाइड है, अपॉइंटमेंट के टाइम पर गलती करी, ये तो इंटरनल मैनेजमेंट है, तो ये हम पता लगा सकते नहीं है। तो जब ये हम पता नहीं लगा सकते तो ये जो डॉक्ट्रिन है वो डॉक्ट्रिन 176 सेक्शन साफ साफ किसको सपोर्ट करता है? आउटसाइडर। तो दोनों में क्लोज रिलेशन क्या है? तीसरी हेडिंग बनाओगे, पहली हेडिंग इंडोर मैनेजमेंट की, दूसरी हेडिंग सेक्शन 176 की, तीसरा आप क्या बताओगे? दोनों का रिलेशन, क्योंकि क्वेश्चन ये बोला ना क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, तो दोनों का रिलेशन बताकर उसे कंक्लूड करोगे कि हाँ ये रिलेटेड है, कि दोनों आउटसाइडर को सपोर्ट करते हैं, फिर एक केस का नाम दे देने का। इतने सारे केसेस पर एक आध नाम देख लेना, ठीक है बच्चा। देखो इनका भी यही है, फर्स्ट जो है 176 एक्सप्लेन कर रहा है, गंदा सा मोटा सा पैराग्राफ, मैं नहीं देखना चाहती ये पैराग्राफ, पॉइंट वाइज आंसर चाहिए, ठीक है। दूसरा इंडोर, फिर उन्होंने रिलेशन बताया, ठीक है। और क्वेश्चन देख लें, दोनों में डिफरेंस बिटवीन बता पाओगे? ट्राई करो, चलो ये मानसी और आयुष ध्यान दो इधर, डिफरेंस बिटवीन बताओ। वाह, पहला डिफरेंस और आखिरी है ना, बताओ, और एक तो बता दिया जो 3-3 करके था, थोड़ा गुड, बताओ, और दो डिफरेंस हो गए है ना। मीनिंग लिखना, और इसमें ऐसा लिख देना ऐसा, इसमें कुछ नहीं होता क्योंकि हम रीड ही नहीं कर सकते। जिसकी जो बातें मालूम है पहले वो लिख दो और बाद में लिख दो, इसमें ऐसा कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो
पहला तो मीनिंग लिखा था, दूसरा क्या लिखा, टू हुम इज प्रोटेक्ट, इट्स प्रोटेक्ट दी कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइडर, और ये आउटसाइडर अगेंस्ट दी कंपनी, ये तो बोल दिया था, अफेयर्स इज कन्फाइंड दी एक्सटर्नल पोजिशन। अगर तुम ध्यान दोगे सब एक ही चीज है, तरीका बदला है, यही स्मार्टनेस सही है आंसर लिखने के लिए। दूसरा भी तो ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल पोजिशन, और ये क्या बोलता है, इंटरनल पोजिशन, एक ही बात है ना। नेक्स्ट रीजन क्या लिखा है, मेमोरेंडम आर्टिकल, वही जो अभी अपन ने पढ़ा। इफेक्ट देखो क्या लिखा है, इट्स ऑपरेट एज एन स्टॉपर अगेंस्ट द आउटसाइडर, इस क्या लिखा है, मिटिगेट द इफेक्ट, मिटिगेट मतलब क्या, कम करना, रिड्यूस करना, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको, बस मुझसे मांग लेना। राइट अ शॉर्ट नोट आएगा, बताओ क्या लिखोगे, लैटिन वर्ड है, ठीक है, थोड़ा मॉड्यूल से कंटेंट लेना सीखो, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब आधार आय होता है, ठीक है, ये सेपरेट लीगल आइडेंटिटी को बोलता है, जिसमें पॉइंट वाइज बताना कि कंपनी अलग है, कंपनी के शोल्डर अलग है, कंपनी की लाइबिलिटी कंपनी की बनती है, शोल्डर की बनती नहीं है, थोड़ा हिंट कर देना। लेकिन अगर कल को कुछ भी फ्रॉड, इम्प्रॉपर कंडक्ट ये सब होता है, तो इस कॉरपोरेट आइडेंटिटी को हटा दिया जाएगा और दोनों को एक ही कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है बच्चों, बोलो। शॉर्ट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द मॉड्यूल, चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। सिंपल सिंपल इन्होंने सबसे पहले क्या बताया कि भैया कंपनी लॉ आया कहां से, याद करो कौन लेकर आया था, ब्रिटिशर्स लेके आए थे, पहले वो अपने देश में लेके आए, फिर इंडिया में। अब मुझे ये डेटा दो, इंडिया में कब आया फर्स्ट टाइम, 1850 में बहुत सारे चेंजेस होते गए, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या आया, 1956 आया, देन उसके बाद क्या आया, 2013। तो बच्चा हमने फिर बहुत सारी इंपॉर्टेंट कमिटीज पढ़ी थी, लेकिन हमने अपना एक इंपॉर्टेंट समझा था, बाबा कमिटी और जे ईरानी कमिटी और कंपनी लॉ कमेटी, लेकिन पढ़ना तो तुमको सभी है, मैं रिवीजन बस तीन का ही करवाती हूँ, ठीक है। चलिए, जे ईरानी की रिपोर्ट बहुत डिटेल में बताई थी और इसके अंदर के उन्होंने पॉइंट्स बताए थे, अंदर के पॉइंट्स में क्या बताया है, प्राइवेट स्मॉल को थोड़ा सा कम और पब्लिक इंटरेस्ट वाली कंपनी को थोड़ा सा ज़्यादा, और ऐसे रिलेटेड पॉइंट। कंपनीज एक्ट का उन्होंने डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा दिया है, कब आया, कब प्रेसिडेंट ने साइन किया, इसको है ना हिस्ट्री की तरह थोड़ा सा पढ़ लेना। सीधा यहाँ पर आएंगे, आ जाइए, स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, डॉक्ट्रिन। मैंने जानबूझकर स्टार्टिंग में डॉक्ट्रिन नहीं पढ़ाई, क्योंकि अगर मैं पढ़ाती तो कुछ समझ में आता ही नहीं। तो सबसे पहला डॉक्ट्रिन क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ये साफ साफ क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट मत जाना, अगर आप मत जाते हो बियॉन्ड अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द पावर जाओगे तो शेल्डर भी आपको रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। हमने इसमें चार पढ़े थे, आपकी बुक में कितने दे रखे हैं, हेडिंग तो तीन ही की दी है, लेकिन बताया उन्होंने चौथा भी है, कौन सा वाला बताया है, डायरेक्टर वाला अभी, ठीक है। कंपनीज एक्ट के अगर बियॉन्ड जाते तो अल्ट्रा वायरस ऑफ कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम के बियॉन्ड जाते तो अल्ट्रा वायरस ऑफ मेमोरेंडम, आर्टिकल के बियॉन्ड जाते तो ऑफ आर्टिकल, और फिर डायरेक्टर। लेकिन डायरेक्टर और आर्टिकल के बियॉन्ड जाना रेटिफाई हो सकता है, कंडीशन क्या है, इंटर वायरस ऑफ कंपनीज एक्ट और मेमोरेंडम होना चाहिए, ये बात लिखोगे। बस तुमने लिखा ना कि रेटिफाई हो सकता है तो बात इनकम्प्लीट है, क्योंकि कंडीशन है ना रेटिफाई होने की, अगर वो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट तो क्या रेटिफाई हो पाएगा क्या, नहीं। चलिए, ये पढ़ने के बाद फिर हम डिटेल में जाते हैं, इसकी वैलिडिटी, इसकी इम्प्लाइड पावर, इम्प्लाइड पावर मतलब क्या होता है, डीम्ड है, इनडायरेक्ट मान लिया जाएगा, आपने नहीं भी लिखा है तो भी आपके पास पावर है। लेकिन हमने लिस्ट पढ़ी, किस चीज की लिस्ट पढ़ी, जो डायरेक्टली आपको लिखनी पड़ेगी, एक्सप्रेस करनी पड़ेगी। ये पूरी डिटेलिंग पढ़ने के बाद हमने पढ़ा, अगर कोई भी अल्ट्रा वायरस काम होता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट नंबर वन वॉइड हो जाएगा, इंजंक्शन मतलब स्टे ऑर्डर लग जाएगा, डायरेक्टर पर्सनली लाइबल, और क्या था, जो प्रॉपर्टी एक्वायर की गई वो प्रॉपर्टी कंपनी की मान ली जाएगी, बस आइडेंटिफाइड होना चाहिए। पढ़ा था ना कुछ अल्ट्रा वायरस बोरिंग में, क्या पढ़ा था, क्रेडिट और डेटर का कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि अल्ट्रा वायरस बोरिंग है, हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अल्ट्रा वायरस टॉट और क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन ले लिया जा सकता है, अगर दो कंडीशन थी, इन द कोर्स ऑफ द एक्टिविटी और इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, याद आया, ग्रांट एंड गारंटी दे दिया तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अल्ट्रा वायरस की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, फिर हमने एक्सेप्शंस पढ़े, नेक्स्ट डॉक्ट्रिन हम पढ़ते हैं इंडोर मैनेजमेंट, किसको सपोर्ट करता है, आउटसाइडर को,
आउटसाइडर को अंदर क्या चल रहा है, इंटरनल प्रोसीडिंग क्या चल रहा है पता नहीं चलेगा। अब इन्होंने ये सारी चीजें एक ही चीज बताई है अलग अलग तरीके से, और फाइनली उन्होंने एक्सेप्शन दिया। एक्सेप्शन में क्या बोला, अगर उसके पास नॉलेज था या फिर वो मेमोरेंडम आर्टिकल रीड कर नहीं आया, फॉर्जरी, नेग्लिजेंसी, ये दोनों पॉइंट एक ही बोलते हैं, अल्ट्रा वायरस है। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया भैया अब हम इनसाइडर को सपोर्ट करेंगे, कंपनी को सपोर्ट करेंगे, ना कि आउटसाइडर को। फिर हम नेक्स्ट डॉक्ट्रिन में आते हैं। नेक्स्ट डॉक्ट्रिन क्या है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्या बोलता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कंपनी को सपोर्ट करता है, वेरी गुड। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो क्या बोलता है, सेपरेट आइडेंटिटी। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल क्या बोलते हैं, सेपरेट आइडेंटिटी को हम भूल जाएंगे जब हमें क्या दिखेगा, फ्रॉड दिखेगा, या फिर क्या दिखेगा, फैकेडा, मतलब कि किसी का मकौटा आप यूज कर रहे हो, या फिर वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। अगर कंपनी क्या है, एनिमी कैरेक्टर, ये क्या बोल रहा था, सोल पर्पस क्या है, टैक्स इवेजन। वोडाफोन का लंबा चौड़ा केस भी हमने पढ़ा, ठीक है। और फिर हमने क्या पढ़ा, रिड्यूस करना चाहते हैं हम, बोनस अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है। फिर फाइनली हमने ये पढ़ा कि आप मिसयूज कर रहे जस्ट एन इक्विटेबल पर्पस, ठीक है, चलो किसी पिटी बात है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा ये कंपनीज एक्ट किस किस में एप्लीकेबल है, नॉर्मल कंपनी में इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, और क्या स्पेशल एक्ट और एनी अदर जो सीजी बोल दे, ये सब पढ़ा था, याद है। सेक्शन क्या बोलता है, 464, वेरी गुड। किसी को भी एसोसिएशन बनाना है, पार्टनरशिप बनाना है, 50 से ज्यादा बना सकते नहीं है, सीजी चाहे तो लिमिट को बढ़ा सकता है, ठीक है, चलो। फिर हमने पढ़ा था डेफिनेशन, जब भी हम देखते तो दो टाइप की होते हैं, एक होता है रिस्ट्रिक्टिव और दूसरा एक्सटेंसिव। रिस्ट्रिक्टिव मतलब क्या होता है, मीनिंग्स जितना दे रखा है वो कंप्लीट है, एक्सटेंसिव मतलब वाइडर मीनिंग है, ठीक है, इंक्लूड रहता है इसमें। फिर हमने ये सारी डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी, बस नाम देखा था। मैंने आपको ये डेफिनेशन इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि सेकंड चैप्टर में डिटेल में डेफिनेशन फिर से रिपीट है, तो वहीं पे डायरेक्ट जब वो टॉपिक आएगा विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो हम वहां देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिसर, की मैनेजर, पर्सन, इन सबका मीनिंग पढ़ लिया था। प्रमोटर, इंडिपेंडेंट, ऑडिट, ऑडिटर, क्या सीएस भी ऑडिटर होता है, सीएस। कौन सा ऑडिटर कहलाता है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर। क्लास एक्शन सूट मतलब बताओ, ठीक है, जब भी कोई ग्रुप में केस फाइल करता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लास एक्शन सूट, ठीक है। फिर फाइनली हमने पढ़ा था ई गवर्नेंस, MCA 21, फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सारा काम अब इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, सारे के सारे काम अब क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक। हमने कॉन्सेप्ट समझा था एमसीए के अंदर बहुत सारी चीजें, आरओसी मतलब हम इलेक्ट्रॉनिकली आरओसी को फाइल करते हैं। आरओसी की अगर डिटेल याद हो तो हमने एक फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस पढ़ा था। फ्रंट ऑफिस के अंदर दो था, वर्चुअल और रजिस्ट्रार का था, ठीक है। वर्चुअल में क्या होता है, ऑनलाइन खुद से प्रोफेशनल जो बैठ के करे सीएसीएस। फिर हमने कोई सेंटर्स खोल दिए, ठीक है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, वहां पे बंदा क्लाइंट फिजिकल डॉक्यूमेंट लेकर आ रहा है और उसे ऑनलाइन चढ़ाया जा रहा है, तो उसे हम फैसिलिटेशन सेंटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। बैक ऑफिस क्या था, फिजिकल किसका, आरओसी, आरओसी भी, आरडीबी और एमसीए भी, ठीक है। आरडी क्या था, रीजनल डायरेक्टर, जिसका काम है सुपरवाइज करना, किसको, आरओसी को। ओएल क्या था, ऑफिशियल लिक्विडेटर, सीजी से अपॉइंट करती है ताकि क्या हो सके, वाइंडिंग अप में लिक्विडेट कर सके। एसएफआईओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, क्या काम था इसका, नाम से काम समझो, फ्रॉड ना हो जाए पहले से इन्वेस्टिगेट करें, ठीक है। एनएफआरए, काम क्या इसका, ऑडिट अकाउंट पॉलिसी को ध्यान देना कि सही से किसी कंपनी की ऑडिट हो रही है कि नहीं। एनसीएलटी और एईटी क्या होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कि कंपनी के जितने भी केसेस होते हैं यहाँ डील की जाती है, क्लियर है, पढ़ा था। फिर हमने चिल्लर चिल्लर, ये सब तो चलो रिवाइज हो गया। फिर हमने पढ़ा था कि भैया क्या फायदे, खुद ही सोचो फायदे क्या होंगे, काम बच, सॉरी टाइम बच रहा है, पैसा भी बच रहा है, क्या हो रहा है, स्टेशनरी बच रही है, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो रहे हैं अपन, और मैनेजमेंट बेटर हो गया है, और क्या हो रहा है बेनिफिट, डेटा का अच्छा यूज हो रहा है, और पहला
एनालिसिस कर सकते हैं, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है डेटा, ठीक है, एलिमिनेट हो रहा है इंटरफेस, डेटाबेस अच्छे से यूज कर पाओगे, मॉनिटर कर पाओगे, अच्छे से सुपरवाइज कर पाओगे, और क्या लिखा है, म्यूचुअल बेनिफिशियल सिस्टम है एक तरीके से, स्पीड, ट्रांसपेरेंसी, इफिशियंसी, ड्यू डिलीजेंस बेटर हो पाएगा, प्रोफेशनल का सर्विस देना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली। फिर हमने देखा था ये सारी सर्विसेज मिलती है, डिन हो गया, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यही देते हैं क्या, देने वाली सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है, यहाँ पे हम क्या करवाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं, ये सारे काम थे कि भैया आप कंप्लेन फीस वगैरह पे करके ये सारे काम कर सकते हो, ठीक है। फाइनली यहाँ पर फीस पे करके उन्होंने बोला आप ये सारे काम कर सकते हो, और ये चैप्टर का होता है हमारा दी एंड। क्लियर है, टेस्ट देना पड़ेगा, 28th को आपका टेस्ट है, ठीक है।